गुजरात के वडोदरा से मौजूदा बीजेपी सांसद रंजनबेन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जिस वक्त उन्होंने मना किया, पार्टी को एक झटका लगा था। इसके बाद से खबरें ये भी आ रही हैं कि पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। साबरकांठा से बीजेपी के प्रत्याशी भीकाजी ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भीकाजी ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैं भीकाजी ठाकुर व्यक्तिगत कारणों से साबरकांठा लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने साबरकांठा सीट से गुजरात के पूर्व सीएम अमर सिंह चौधरी के बेटे डॉक्टर तुषार चौधरी को मैदान में उतारा है। साबरकांठा सीट से भीकाजी ठाकुर के पीछे हटने के कई कारण राजनीतिक हलकों में गिनाए जा रहे हैं। पहला कारण ये सामने आया था कि वे उनकी जाति को लेकर चुनाव में विवाद खड़ा होने की आशंका थी। कहा जा रहा है कि वे मूल रूप से डामोर हैं। दूसरा कारण साबरकांठा सीट से कांग्रेस के पूर्व सीएम के बेटे तुषार चौधरी की उम्मीदवारी बताई जा रही है। वे खड़ब्रह्मा सीट से विधायक हैं, पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। इस सीट से उनकी दूसरी मां निशा चौधरी भी सांसद रह चुकी हैं। वे 1996, 1998 और 1999 में लगातार 3 बार जीती थी। यह सीट गुजरात के उत्तर हिस्से से आती है। यहाँ शहरीकरण ज्यादा नहीं हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस का ज्यादा वक्त तक कब्जा भी रहा है। गुजरात में बीजेपी ने लोकसभा की 26 सीटों में 22 पे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वडोदरा के मौजूदा सांसद और साबरकांठा के प्रत्याशी के पीछे हटने पे अब पार्टी को कुल 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने होंगे। गुजरात में बीजेपी 2 और सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चा कर रही है। इसमें वलसाड और बनासकांठा की सीट शामिल है। आणंद की सीट को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इन सीटों पर कांग्रेस ने काफी हैवीवेट उम्मीदवार उतारे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।